हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको समरी बताऊंगी चार्ल्स लैम्ब के कैसे की, और उसका नेम है द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। तो फ्रेंड्स, जब ये एसे स्टार्ट होता है तो चार्ल्स लैम्ब इसमें अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, मीन्स अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, जो भी मेरा सोर्सेज है एजुकेशन का या जो भी आज की चीज़ों आज के टाइम पे मैं इमेजिनेशन कर पाता हूँ, ये जो भी है ये सब किस वजह से है? क्योंकि मैंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर इंग्लिश प्लेस पढ़े हैं, कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ी हैं जिसकी वजह से ना मैं इमेजिनेशन कर पाता हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। अब दूसरी तरफ ये भी बात करते हैं कि उन्हें ज्योग्राफी की तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर कोई उनसे पूछे कि तुम ये बताओ कि न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे है, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। और रही बात अगर एस्ट्रोनॉमी की, तो मुझे नहीं पता कि एस्ट्रोनॉमी में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इवन कोई मुझसे पूछे कि चार्ल्स वेन कहाँ पे है, तो भी मुझे नहीं पता। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का तो कहना ही क्या, क्योंकि उनके पॉइंट्स तो ऐसे हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के कि मैं जब एक के बारे में सोचता हूँ तो मैं दूसरा भूल जाता हूँ, और जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। और रही बात मॉडर्न लैंग्वेजेस की, तो वो तो मेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर हैं, जैसे कि बॉटनी। अब ये कहते हैं कि लेकिन कोई कभी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ना फ्रेंड्स की कंपनी में रहना पसंद करता हूँ। अब फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स की कंपनी में रहना पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं रहता हूँ तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा भी होता है, और अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे नॉलेज नहीं भी होती है, तो मेरे बाकी फ्रेंड्स ना मैनेज कर लेते हैं, मैं जिस ग्रुप में होता हूँ वो मैनेज कर लेता है। तो शायद ही है रेयर केस में जो कभी कोई ये पता कर पाया हो कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। बट चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे कहते हैं, बट एक बार मैंने एक चक्कर में फंस गया। वो मेरा कैसा लग था कि मैं एक ऐसे मास्टर के सामने पड़ गया, और अकेला वो भी, कि मुझे उसने इतनी सारी चीज़ें पूछी और मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील हुआ। तो इस ऐसे में वही स्टोरी है, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। मतलब कि अब यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद वो डिफरेंशिएट बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, कि ओल्ड मास्टर की क्या क्वालिटीज़ थी और जो न्यू स्कूल मास्टर आते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि वो इवेंट क्या था जब चार्ल्स लैम्ब ना एक अच्छे खासे कंडीशन में फंस गए थे। अब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि एक बार मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, कौन सी गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी पे, तो उन्हें एक जेंटलमैन मिले। अब वहाँ पे चार्ल्स लैम्ब अकेले थे और वो जेंटलमैन अकेला था, मतलब अब तो जेंटलमैन या चार्ल्स लैम्ब के बीच में ही कन्वर्सेशन होने वाला था। सबसे पहले जेंटलमैन ने स्टार्ट किया कि घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर कैसा है, इसका फेयर कितना है, मतलब किराया कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। ये टॉपिक चार्ल्स लैम्ब के लिए कॉमन था, तो वो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे आंसर देते गए, और ये बहुत उनके लिए इंटरेस्टेड भी था। अब धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती है, तो जेंटलमैन जो होता है वो अचानक से ना वो पूछने लगता है कि स्मिथ फील्ड में बताओ कि कैसा प्राइस मिलता है, वहाँ पे कैसा कैटल के ऊपर प्राइस मिलता है। और अब तो चार्ल्स लैम्ब को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये तो उनका इना अनफॉर्चुनेटली वो एकदम इग्नोरेंट थे इस बारे में। अब वो क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। अब चार्ल्स लैम्ब ने इसको घुमा फिरा के इस टॉपिक को इधर उधर किया। अब जेंटलमैन ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया कि लंदन में जो रिटेल शॉप्स हैं उनका किराया क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्या होता होगा। ये भी चार्ल्स लैम्ब को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस लगा, क्योंकि उन्हें इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी।
अब इसके बाद जेंटलमैन पूरी जर्नी भर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहा, कभी नॉर्थ पोल के बारे में, कभी साउथ पोल के बारे में। इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज चार्ल्स लैम्ब को नहीं थी। चार्ल्स लैम्ब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बार बार चाहते थे कि टॉपिक चेंज हो जाए, टॉपिक चेंज हो जाए, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं हो रहा था। फाइनली चार्ल्स लैम्ब को तब रिलैक्सेशन मिला जब नेक्स्ट स्टॉपेज पे ना वो जो जेंटलमैन था वो उतर गया, और उतरते उतरते भी उसने चार्ल्स लैम्ब से कुछ क्वेरीज की, जिससे चार्ल्स लैम्ब को ये समझ आ गया कि ज़रूर ये कोई स्कूल मास्टर है। क्योंकि उतरते उतरते वहाँ पे जो लोग खड़े थे घोड़ा गाड़ी के पास, जो लोग पहले से ही खड़े थे, उनसे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि वो जो मास्टर था ना वो जानना चाहता था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना चाहता था। बट चार्ल्स लैम्ब को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे ये बताते हैं कि जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, वो इस तरीके से बात करता है कि उसकी टोन में एक टीचिंग वाली स्मेल आती है। ये पता चल जाता है कि ये टीचर है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज करने लगता है वो बहुत सारी चीज़ें जानने का इच्छुक रहता है। जबकि जो नॉर्मल कॉमन मैन होता है वो शायद वो उसी टॉपिक की बात करता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, बट जो मास्टर लोग होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। फाइनली चार्ल्स लैम्ब को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे ये बताते हैं, इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये फील होता है कि जो ओल्ड मास्टर था वो कैसा होता है और जो न्यू स्कूल मास्टर होता है वो कैसा होता है। आगे चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि जो ओल्ड स्कूल मास्टर होता था वो मोस्टली फोकस करता था सिर्फ ग्रामर पढ़ाने में, ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं, पंक्चुएशन क्या होता है, क्योंकि उसने खुद भी स्टार्टिंग से वही पढ़ा हुआ होता है, उसका सिलेक्शन भी उसी बेस्ड पे हुआ था। तो उसको ये लगता था उस टाइम पे कि अगर किसी को ग्रामर नहीं आती है इट मीन्स दैट कि वो किसी भी लायक नहीं है, उसको कोई चीज़ नहीं आती है, वो बिल्कुल अनपढ़ है। जो वो पढ़ के आता था, जो उसको आता था वो अपने बच्चों को पढ़ा देता था। उसकी नॉलेज सिर्फ उसके सिलेबस तक ही सीमित थी कि नहीं बस मुझे इतना ही बच्चों को पढ़ाना है, और अगर इतना मैंने पढ़ा दिया तो मैं परफेक्ट टीचर बन गया, और नहीं पढ़ा पाया अगर मैं तो मैं परफेक्ट टीचर नहीं हूँ। बट अब कहते हैं चार्ल्स लैम्ब, लेकिन जो न्यू स्कूल मास्टर होता है उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों को ये भी देखता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्कूल के घंटों में भी ना वो अपने बच्चों को पढ़ने आने की सिखाने की कोशिश करता है। इवन स्कूल प्रेमिसेस के बाद भी अगर वो अपने स्टूडेंट के साथ टहल रहा होता है या रास्ते में चल रहा होता है तब भी उससे ना नॉलेजबल बातें ही करता है कि नहीं आगे क्या होने वाला है, वेदर के बारे में, शाम को वेदर कैसे होने वाला है, मीन्स ऑल ओवर जो भी है ना कैसी बातें करता है, सिर्फ ऐसी कि वो स्टूडेंट को क्या करे अपने कैसे भी करके अच्छे से अच्छा सिखा सके। और अब लास्ट स्टैंजा में चार्ल्स लैम्ब ये बताते हैं कि मैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक स्कूल टीचर के लेटर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उस लेटर में ये लिखा था कि किस तरीके की हालत होती है मॉडर्न स्कूल टीचर की, मीन्स एक मॉडर्न जो टीचर होता है उसकी हालत, उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया कि एग्जैक्टली जो टीचर होता है वो शायद कभी अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाता है। चाहे कोई कितना भी लेक्चर क्यों ना दे, बट जो रियलिटी है वो यही है कि उन लोगों के बीच में कभी एक कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं पाता है। और जब काफ़ी टाइम बीत जाता है और वही स्टूडेंट अपने ओल्ड मास्टर के पास कुछ गिफ्ट लेके जाता है तो उस स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगता है कि शायद अब मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ कि मैं अपने टीचर के बराबर आ गया हूँ, और उससे इसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उसको ये लगता है कि देखो मैं कभी इनकी रिस्पेक्ट करता था और आज मैं वाकई में इस लायक भी बन गया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ये बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, और कहते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ने उनकी वाइफ को ना एकदम दबा के रख दिया है, एकदम डिप्रेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड की वजह से उनकी वाइफ ने क्या किया,
जो न्यू स्कूल मास्टर था उसने अपना इंटरेस्ट ही छोड़ दिया और हमेशा अपने ना हस्बैंड की केयर में ही लगी रहती। और फाइनल में ये ऐसे इस पे ख़त्म होता है कि अब पूरी तरीके से जो स्कूल मास्टर की वाइफ है, अब उसको किस नेम से जाना जाता है कि ये तो मास्टर की वाइफ है, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ मास्टर। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।